आशीष जी नमस्कार। जिस तरीके से हमने आज थोड़ी गिरावट देखी, ये तो सिर्फ इसे कह सकते हैं रनिंग करेक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ मतलब खास, देखो हमें क्या है कि थोड़ी सी आदत बदलनी पड़ेगी। अब 200 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होता, जो लेवल निफ्टी का है वो कुछ भी नहीं होता। 200 पॉइंट अगर देखा जाए तो 1% है। पहले हम 200 पॉइंट जब होता था तो 2% होता था, मतलब हम 10-12 हजार निफ्टी से अब 20 हजार से ऊपर है। तो 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट निफ्टी 1% के आसपास बहुत मामूली सी मूवमेंट है, जो कि तकरीबन हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है ना कि हम जब देखते हैं फिगर्स में तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है, सेंसेक्स का भी और निफ्टी का भी, बट एक्चुअली द बेस बहुत बड़ा है ना। तो इसमें कोई बहुत मेरे को लगता है इतना चलने के बाद अगर 200 पॉइंट पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। इतना तो मार्केट का एक नॉर्मल मूवमेंट है जो कि वैसे भी होना चाहिए, और एक नॉर्मल करेक्शन है, पॉलिसी आ जाई और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो आई डोंट थिंक कुछ है अभी भी। मेरे ख्याल तो मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा टाइम लगा रहा है 22,000 का एक जो लेवल है उसको क्रॉस करने में, बट जिस तरह से बाइंग है, जिस तरह से रुझान आ रहा है, और जो अभी भी आज भी जो वाइड स्प्रेड बाइंग थी, आज देखो अगर निफ्टी का फॉल इज बेसिकली आई थिंक आईटीसी और दो तीन और लार्ज कैप्स, बट मेनली आईटीसी, और अगर उसको अगर न्यूट्रलाइज कर दो तो फिर मार्केट इज हार्डली फॉलन। और ब्रॉडर मार्केट मिड कैप्स में कई स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी थी आज, तो आई डोंट थिंक कोई इसका वीक डे था। मेनली द फॉल इज बिकॉज ऑफ आईटीसी, तो उसको भी न्यूज बेस्ड था, और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए।